हाय एवरीवन। तो कल हमने करा था वर्णमाला, तो पहले मैं उसमें से क्वेश्चन पूछती हूँ। मुझे ये बताओ, मूल वर्ण कितने होते हैं? जो दो तरह के होते हैं ना, मूल वर्ण और कुल वर्ण बताए थे मैंने, तो उसमें से मुझे पहले ये बताओ कि मूल वर्ण कितने होते हैं, और उसके बाद मुझे बताओ कुल वर्ण कितने होते हैं। अगर देखो तुमको इसका आंसर आता है तो तुमने पढ़ाई करी है और अपने नोट्स बनाए हैं। अगर तुमको इसका आंसर नहीं आता है तो भाई दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है? तो देखो, थोड़े से शॉर्ट नोट्स बनाए थे मैंने। आपके मूल वर्ण होते हैं 44, जिसमें से होते हैं आपके 11 स्वर और 33 व्यंजन, ठीक है? कल जब मैंने आपको ये सब पढ़ाया था तो उसमें एक वर्ण गायब था, जो कि है ये त्र। कल जब बताया था ना मैंने, 10 मात्राएं हैं और उसमें टोटल 11 हैं, तो ये मात्राएं हैं और इसके अलावा एक ये और त्र, ये भी स्वर है, ठीक है? इसीलिए स्वरों की संख्या 11 है। ये 10 प्लस दिस इज 1, तो ये टोटल 11 है। उसके अलावा जो दो हैं, अंग और आहा, उनको अयोगवाह कहते हैं, ठीक है? और ये एलिजिबल नहीं होते, तो बिकॉज ये एलिजिबल नहीं है एक वर्णमाला के लिए, तो इसीलिए हमारे को यहाँ पे 11 स्वर ही हम रखते हैं, और जो 33 व्यंजन है क ख ग घ वो सब आते हैं, ठीक है? इसीलिए ये मूल वर्ण ओए होए पेन फाइटिंग, इसीलिए ये मूल वर्ण 44 है, ठीक है? फिर उसके बाद आती है जहाँ पे कुल वर्ण की बारी, तो वहां पे हम यहाँ पे 13 स्वर लेते हैं, हम अंग और आहा को भी इंक्लूड करते हैं, ठीक है? और साथ में 33 व्यंजन के अलावा 6 और ऐसे हैं जो कल मैंने आपको बताए थे। देखो ये टोटल 25 हैं, इनके अलावा ये और अलावा शोषा सब वही सब भी है, और उसके अलावा संयुक्त और द्विगुण में 6 टोटल। देखो द्विगुण ये रहा, ये ड और ये ढ, ये दोनों, और संयुक्त वाले कौन से हो गए, शत्र ज्ञ और जो भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, र, ठीक है, श्र मे बी, ये 4 और ये 2 हम टोटल वाले में इंक्लूड करते हैं, ठीक है? इनको हम अलग से इसलिए लेते हैं क्योंकि ये अपने आप में एक होल नहीं है, इनको दो दो जो वर्ण है उनसे मिलकर ये एक बना है पूरा, ठीक है? और इसमें भी वही, इनमें इन दोनों में भी दो व्यंजन वर्णों का गुण पाया जाता है, इसीलिए हम इन 6 को अलग से रखते हैं, ठीक है? तो मूल हमारे पास 44 है और कुल हमारे पास 52 है, ठीक है? इफ इन केस क्वेश्चन में कहते हैं कि लेखन या मानक के आधार पर कितने हैं, तो भाई वो भी सेम ही है, ठीक है, 52 होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इसका इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो टोटल 3 पेजेस में लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, तो देखो स्वर हमारे पास में क्या क्या हो गया, अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ और री, ठीक है, ये कल मिसिंग था। उसके अलावा अनुस्वार कौन से हो गए, अंग और आहा, ठीक है, और उसके अलावा व्यंजन कितने हो गए, ये 25 व्यंजन हो गए, जिसमें क च ट त और प वर्ग है, ठीक है? उसके अलावा अंतस्थ क्या होता है, य र ल व, ऊष्म क्या होता है, श स श स ह, और संयुक्त में क्या होगा तुम्हारा, श त्र ज्ञ और री, ठीक है? ये सब जो लिखा हुआ है ना, यही सारा मैंने यहाँ पे क्लब करा हुआ है, ठीक है? तो ये आपकी कल की रिवीजन है। इसके बाद हम आज पढ़ेंगे समास। तो समास देखो, समास हमारे 6 तरह के होते हैं। सबसे पहले हमारा समास होता है अव्ययी भाव, ठीक है? तो अव्ययी भाव में ये होता है नो इफेक्ट ऑफ लिंग वचन या पुरुष, ठीक है, नो चेंज। तो अव्ययी भाव समास कौन सा समास होगा जिसमें आपको कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसे कि भरपेट, प्रतिदिन, आजन्म, इधर उधर, पल पल, ठीक है, धीरे धीरे। इसमें वो वर्ड्स भी आएंगे जो हाइफन के साथ में चलते हैं, जैसे सेम होते हैं, जैसे पल पल, धीरे धीरे, ठीक है, ये वाले वर्ड्स। तो ऐसे वर्ड्स जो डैश होता है प्लस, जिसमें कोई चेंज नहीं होता है किसी भी, मतलब उसने भरपेट खाया, रेखा ने भरपेट खाया, श्याम ने भरपेट खाया, तो उसमें फर्क नहीं पड़ा कि लड़के ने खाया या लड़की ने खाया, ठीक है, क्योंकि उनका पेट भरा है, ठीक है, और वचन का भी इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स में हम अव्यय भाव समास यूज करते हैं, ठीक है। सेकंड है तत्पुरुष। तो तत्पुरुष में आपके 8 टाइप होते हैं, जो कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का की रे, रारी रे, अधिकरण में पर, हे वो आदि, संबोधन, हे अरे, ठीक है। तो ये सब इसमें यूज होता है तत्पुरुष में।
और तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल है जैसे यश प्राप्ति। तो जैसे यश प्राप्त को आप डिवाइड करोगे तो इट इज यश की प्राप्ति, ठीक है। तो की यहाँ पे आ रहा है ना संबंध का, की के का, यश की प्राप्ति है, ठीक है। आप बीती, अपने पर बीती हुई, पर सेवापति, सेवा में पति या सेवा के लिए पति, जो सेवा करते हैं ना सोल्जर्स वगैरह। रसोई घर, रसोई का घर। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश या गृह के लिए प्रवेश, ठीक है। तो जो भी वर्ड्स में जिसमें ये सब यूज हो जाएगा ना, ने, को, के द्वारा, से, के लिए, से, का, की, के, रा, री, रे, में, पर, हे, ओ, अरे, ये सब, ये सारे के सारे तत्पुरुष समास होते हैं आपके, ठीक है। थर्ड आता है आपका कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में कंपैरिजन चलता है, जैसे कि चरण कमल, चरण कमल जैसे हैं जिसके, पीताम्बर पीला है जिसका, अंबर ये होता है शायद इसका, कमल नयन जिसके आंखें कमल जैसी हो, महाराजा महान है जो राजा, ठीक है। ये सब होता है। द्विगु में क्या होता है, द्विगु में आपको नंबर्स से इंडिकेट हो जाएगा, कोई भी समास में द्विगु लग रखा है, जैसे चौराहा, वाह फिर से पेन फाइटिंग, जैसे चौराहा। तो चौराहा का मतलब क्या, जहां पे चार राहें एक जगह आके मिलती हैं, त्रिलोक तीन लोक, ठीक है। अठन्नी तो पैसे युग की शताब्दी, 100 वर्षों की अवधि, सहस्त्र जिसमें 100 हस्त होते हैं, जो क्या बोलते हैं इसको, हथौड़ा थौर के पास जो था, ठीक है। नवरात्रि, नौ रात्रियां, सप्तऋषि, सातऋषि। तो द्विगु की पहचान क्या है कि उसमें नंबर होते हैं, ठीक है। अव्यय भाव में आपका कुछ भी चेंज वेंज नहीं होगा, वो सेम रहता है। कुछ भी अगर लगा लो, लिंग चेंज कर दो, वचन बदल लो, ठीक है, पुरुष रख लो, कुछ भी, कोई चेंज नहीं होगा। प्लस हाइफन वाले होते हैं, तत्पुरुष में ये सब लगता है, कर्ता ने कर्म को, कर्मधारय में कंपैरिजन होता है, द्विगु में नंबर आते हैं। तो अगला है द्वंद समास। द्वंद समास में क्या होता है आपका, जो अपोजिट होता है उसके साथ में आपका हाइफन लग रखा होता है, ठीक है। जैसे कि पति का क्या हो गया अपोजिट, पत्नी। ऊपर का क्या हो गया, नीचे। दाएं का हो गया बाएं। माता के साथ में पिता। रात दिन गौरी शंकर, ठीक है। तो जो मतलब सॉर्ट ऑफ कपल टाइप के हो गया, और मतलब जो एक साथ ही यूज होते हैं ना वर्ड्स विद हाइफन, वो सब यूज होते हैं इसमें, ठीक है। सिक्स्थ लास्ट हमारा समास है, जिसमें आप या तो मोस्टली भगवान के बारे में होता है, और उसमें दो पद ऐड होते हैं जिसकी वजह से थर्ड पद बाहर आता है। इसका मतलब कि दो आप वर्ड ऐड करोगे जिसकी वजह से थर्ड वर्ड होता है, जिसका मीनिंग अलग हो जाता है, उसकी उत्पत्ति होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे दशानन है, तो दशा दश मतलब सर, और आनन मतलब होता है, सॉरी दस मतलब 10 होता है, और आनन मतलब सर होता है। तो इसका मतलब हो गया 10 सर है जिसके, और वो कौन है, रावण, ठीक है। तो दशानन का वैसे कोई मतलब नहीं होगा, जिसके 10 सर है, अगर रावण नहीं एग्जिस्ट करता, बट सिंस वो एग्जिस्ट करता है, तो दशानन सीधे सीधे किसकी तरफ इशारा है, रावण की तरफ, ठीक है। और चक्रधर, विष्णु जी को चक्रधर कहते हैं, ठीक है। नीलकंठ शिव जी को कहते हैं, त्रिनेत्रधारी भी उन्हीं को कहते हैं। पतिव्रता जो पति के लिए पत्नी काफी वो होती है कि एजी ओजी वाली, तो ठीक है, उसे पतिव्रता कहते हैं, ठीक है। तो ये आपके समास के समास हैं टोटल 6, ये उनके एग्जाम्पल हैं, और इनसे आप याद रख सकते हो। अव्यय भाव वो होते हैं जिसमें कुछ भी इफेक्ट वगैरह नहीं पड़ता है, जो जैसे उठाए गए हैं वैसे ही वर्ड वो यूज होते हैं बेसिक से। तत्पुरुष में आपका ये लगता है कर्ता ने कर्म को, करण से। कर्मधारय में आपका कंपैरिजन होता है। द्विगु में आपके नंबर्स यूज होते हैं। द्वंद में आपके, द्वंद का मतलब दो होता है, ठीक है। तो पति पत्नी जो दो दो आपस में यूज होंगे। और बहुव्रीहि में मोस्टली वैसे भगवानों की बात करते हैं, और बस इनका जो भी दो वर्ड्स बन गए, जब तीसरा वर्ड ऐसा बन जाता है जिसका मीनिंग कुछ अलग ही निकल जाता है, तो उसको हम बहुव्रीहि समास कहते हैं, ठीक है। तो समास आपका बस इतना ही है, समास आपका खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू क्रिया, ठीक है। वही वाला इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ना कोई भी कुछ भी एग्जाम्पल दे रहा होता है, मतलब राम पुस्तक पढ़ता है सकर्मक भी बोल रहा था कोई, और राम पुस्तक पढ़ता है अकर्मक में भी बोल रहा था, बट देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय।